भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नेताजी जय। नेताजी अमर। नेताजी अमर। सबसे पहले मैं नेताजी स्मृति संसद को ये कार्यक्रम करने और मुझे बुलाने और नेताजी के जन्म स्थान का दर्शन करने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, दर्शन कराया और इतने सारे देशभक्तों से मिलवाया, तो इसलिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सज्जन शर्मा जी, मानस रंजन पांडा जी, किशन जी, भरतिया जी, शंभुनाथ गोयनका जी और सामने उपस्थित बड़ी संख्या में आए बंधुओं, बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और यहां आने की मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, लेकिन थोड़ा दुख भी है। मैं लगभग एक घंटे रहा नेताजी के सदन में। निकलते समय मैंने अपने मन की पीड़ा उस रजिस्टर पे लिखा है। खुशी इस बात की है कि मुझे नेताजी के जन्म स्थान का दर्शन करने, उनको समझने, उनके बचपन की चीजों को देखने का अवसर मिला। लेकिन दुख इस बात का है, इतना बड़ा महामानव, इतनी बड़ी विभूति, इतना बड़ा दार्शनिक, इतना बड़ा योद्धा, उसके जन्मस्थान की यह हालत है। बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ। मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में सबका योगदान था। गांधी जी का भी योगदान था, नेहरू जी का भी था, पटेल साहब का भी था, डॉक्टर अम्बेडकर का भी था, सबका था। लेकिन आज इस मैं पवित्र भूमि से आज के सभी सांसदों और विधायकों से एक आग्रह करता हूं, एक बार आप लोग इस नेताजी के जन्मस्थान पे आइए और आने के बाद अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या नेताजी को वो सम्मान मिला, क्या नेताजी के साथ वो न्याय हुआ, क्या नेताजी को हमने घर घर पहुंचाया, क्या नेताजी के विचारों को, उनके कर्मों को हमने स्कूल में पाठ्यक्रम के माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से घर घर पहुंचाया, क्यों ऐसा किया गया। जिन लोगों ने नहीं किया, नहीं किया उनसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वर्तमान समय में देश के 790 सांसदों, 790 इसलिए कह रहा हूं, 545 लोकसभा में सांसद हैं और 245 राज्यसभा में सांसद हैं, उन 590 सांसदों से आग्रह करता हूं, एक बार आके आइए, जन्म स्थान का दर्शन करिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसी पीड़ा आज मुझे हुई है इस स्थान का दर्शन करने के बाद, मुझे लगता है जो भी आएगा, जिसने नेताजी को पढ़ा है, नेताजी को समझा है, और जो नहीं भी पढ़ा होगा कम से कम यहां आके देखेगा, उसको इस बात की पीड़ा जरूर होगी कि नेताजी के साथ न्याय नहीं हुआ। आप एक घंटे के दौरान मेरे मन में कुछ और भी चीजें आई हैं, इसलिए मैं जरूर कहता हूं, आज मैंने 3 मिशन लिया है। नेताजी को भारत रत्न मिले, नेताजी की एक यहां विशाल काय स्टैच्यू लगे और कटक रेलवे स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा है। और इन 3 कार्यों के लिए मैं अपनी यथाशक्ति, जो भी मेरे पॉलिटिकल कनेक्शन है और जरूरत पड़ी, वैसे ऐसे विषयों पे पीआईएल नहीं होती है, लेकिन नेताजी का मैटर एक्सेप्शनल केस है,
ये मैं अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट में जाके जजों को भी बताऊंगा कि ये कोई सामान्य मानव नहीं, महामानव के लिए हम यहां पे कुछ मांगने आए हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है अगर विधायिका कार्यपालिका अपना काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका अपना काम जरूर करेगी, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। गोयनका जी मुझे सुप्रीम कोर्ट मिलने गए थे दिल्ली में, तो यह हुआ कि दो दिन का कार्यक्रम रहेगा, आज कटक में रहेगा कल भुवनेश्वर में रहेगा। तो हमने तय किया कि आज हम 1950 से पहले हुए पापों की बात करेंगे और कल भुवनेश्वर में 1950 के बाद हुए पापों की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उन कानूनों की जो अंग्रेजों ने बनाया था देश को लूटने के लिए, देश को बांटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, और कल भुवनेश्वर में बात करेंगे 1950 के बाद आजादी के बाद की सरकारों ने जो संसद में महापाप किया है देश को लूटने के लिए, देश को बांटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, कल उस पर भुवनेश्वर में बात करेंगे। तो इसलिए आज बात करते हैं अंग्रेजी कानून। मैं कानून का विद्यार्थी हूं और हो सकता है मेरी अपनी अलग तरीके की समझ हो, लेकिन मैं कुछ आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग उत्तर जरूर देंगे, और आप इतना तेज उत्तर देना कि आपका उत्तर यहां तक आ जाए, इस माइक तक आना चाहिए। एक नाई बहुत अच्छा हो, सोच उसकी बड़ी अच्छी हो, लेकिन उसका उस्तरा और उसकी कैंची खराब हो, वो अच्छा बाल काट सकता है क्या? नहीं। एक मिस्त्री की सोच बहुत अच्छी हो लेकिन उसकी कन्नी मसूली जिससे वो दीवार जोड़ता है अगर वो खराब हो, अच्छी दीवार जोड़ सकता है क्या? नहीं। एक डॉक्टर बहुत अच्छा हो, उसकी सोच भी अच्छी हो, डॉक्टर चाहता भी हो कि बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन उसके ऑपरेशन थिएटर का सामान अगर घटिया हो, ऑपरेशन सफल हो सकता है क्या? नहीं। उसी तरीके से देश का शासक, राज्य का शासक कितना ही अच्छा हो, चूंकि देश में कानून का राज है, तो जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक राज। बहने बैठी हुई हैं, इनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो, आता ही है, लेकिन अगर इनके किचन का सामान ठीक नहीं होगा, तेल मसाला ठीक नहीं होगा, अच्छा भोजन बनाना नामुमकिन है। मानते हैं कि नहीं? तो वैसे ही भारत में किसी पॉलिटिकल पार्टी का राज नहीं है, भारत में किसी नेता का राज नहीं है, भारत में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का राज नहीं है, भारत में किसका राज है? कानून। और ये कानून ही घटिया है। अरे अगर सीमेंट बालू ही खराब होगा तो अच्छा घर कैसे बनेगा? आर्किटेक्ट अच्छा भी हो तो क्या हुआ, मिस्त्री अच्छा भी हो तो क्या हुआ, अगर सीमेंट बालू सरिया ही घटिया है तो अच्छा भवन कैसे बनेगा? और पिछले 75 सालों से हमने कभी इस दिशा में काम नहीं किया। मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करते करते एक बार तो ऐसे लगा शायद अब कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन जब मैं पूरी तरीके से ऐसे निराश होने लगा तो देखा फिर बदलाव शुरू हो गया। फिर मुझे लगा अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी चलना पड़ेगा। वो इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में भीड़ तंत्र है। भीड़ इकट्ठा होगी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया जाएगा, और भीड़ इकट्ठा नहीं होगी तो संविधान में